इंदौर के तुकुगंज थाना क्षेत्र से पिछले दिनों नेटवर्किंग के कार्य के दौरान बदमाश ड्रिल मशीन सहित अन्य औजार चुराकर फरार हो गया था, जिसे पुलिस द्वारा तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद गांधीनगर में रहने वाले आदतन चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर को गिरफ्तार किया गया। इंदौर शहर के तमाम थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही है और इसी के तहत पिछले दिनों तुकुगंज थाना क्षेत्र स्थित एक निजी बिल्डिंग में कार्य के दौरान ड्रिल मशीन सहित अन्य औजार चोरी हो गए थे, जिसके बाद फरियादी की शिकायत पर पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित की गई थी, जिसे सफलता मिली है और पुलिस ने क्षेत्र के कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद गांधीनगर के रहने वाले साहिल बंजारा नामक चोर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ाए चोर पर इससे पहले भी 6 से 7 चोरी के प्रकरण दर्ज हैं और वह आदतन चोर है। पकड़ाए साहिल बंजारा से पुलिस बारीकी से पूछताछ में जुटी है ताकि क्षेत्र सहित शहर के तमाम हिस्सों में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा किया जा सके। हाईकोर्ट के पीछे एक नेटवर्किंग का काम चल रहा था और उसके अंदर वहाँ से ड्रिल मशीन, कुछ ब्रेकिंग टूल्स उसका चोरी गया था। तो उस चोरी पर से, रिपोर्ट पर से एक आरोपी है साहिल, पिता जीतू बंजारा, ये गांधीनगर का रहने वाला है, इसको पकड़ा है और इससे जो चोरी में सामान गया था वो बरामद किया गया है। और ये आरोपी पूर्व में बंद हो चुका है, इसके विरुद्ध लगभग 6-7 अपराध चोरी के और नकबजनी के दर्ज। माल इसमें जो अपना ठेकेदार है, इसके टूल्स गए थे, जैसे ड्रिल मशीन है, एक ब्रेकिंग टूल है, बाकी और उसके जो औजार हैं वो चोरी गए थे, वो मिला है। अभी पूछताछ से चल रही। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।